घर जा रहा नहीं जा रहा बाय करो इसमें करंट आ रहा है और ये मुझे लगा बॉडी में करंट है ये तो मेरी बॉडी में करंट है कुछ चीज जरा सीख गया चल चल सबसे चल सो वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस आज हमारा काम स्टार्ट हो गया 3 दिन के लिए तो आज काम स्टार्ट हो गया हट जा ये देखो परेशान कर रहा है मुझे घर जा रहा नहीं जा रहा जा बता कल घर निकल रो मत अरे यहां पे पेट्रोल सस्ता 96 बाय बाय उनकी कहीं और लोकेशन में काम करना है सो हम लोग आ गए मेरिट में हमारा काम स्टार्ट हो गया है और तो हमारा पहले मेरिट में काम था फिर उसके बाद हमें कहीं और जाना है मेरिट में काम ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया है सो हम लीव वी आर लीविंग जस्ट वेटिंग फॉर द स्वाति दी टू कम भाई सुबह इतना दिमाग ख़राब हो गया पूरी रात सो नहीं पाया जो मैंने बोला अरुण ने पंखा लगा दिया अरुण ने इतना गंदा पंखा लगाया बार बार रुक रहा ख़राब हो रहा चल ही नहीं पा रहा पता नहीं क्या इतनी टेंशन ले रहा था समझ में नहीं आ रहा था फिर उसके बाद मतलब 3 बजे तक हम सब ने बातें करी लूडो खेला फिर उसके बाद 2 घंटे चला ही नहीं फिर अपने काम हमने एक ही ऑप्शन मिला कि हम लोग घर चले गए सीधा और फिर हमने घर चले गए 5 बजे 5 घंटे की नींद ली क्योंकि भाई सबको काम पे जाना है फिर अब सब शाम को मिलेंगे फिर दोबारा नौटंकी होगी वी आर गोइंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो शादियाँ होती हैं होटलों में तो कैसे इधर उधर होते हैं उनके पास जाना पड़ता है सारा सामान लेके माइंड अप करो फिर जाओ तो सब दे तो काम हम खत्म हो गया है बेशक खुशबू है और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया इधर से उधर भागना इधर उधर फिर कल दोबारा सेम सिर में दर्द तो बैक पूरी रीढ़ की हड्डी ऐसी हो गई टेढ़ी दर्द भूख तो बहुत तेज लग रही है अब क्या करें कुछ कर नहीं सकते तो काम खत्म कर रहा है जब जा रहे हैं बस दीदी वेट कर रहे थे हमारे यहाँ पे लॉबी में उनको पकड़ेंगे निकल जाएंगे वो रे पहुँच गए हैं गाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे अब दीदी के घर में डुगू बाय बाय करो बाय सो हेलो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे आज भी हम जा रहे हैं ताज कन्वेंशन पे काम करने फिर उसके बाद हमें जा रहे हैं मीरियड में 2 जगह काम है हमारा फिर लगभग फ्री होते होते हैं हमारा टाइम लग जाएगा 9 बजेंगे 9 या 10 से 11 जितना होता है मेरे लिखा तो भाई काम वाम खत्म हो गया यहाँ पर बारात एंट्री हो रही है बारात की जयो सो काम वाम फिनिश हो गया सारा बैग वैग लेके अब जा रहे हैं मतलब इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock हम पहुँच जाएंगे 10:45 तक अपने घर एक वाइट कलर की बोतल थी वो मुझे अभी तक नहीं मिली पता नहीं कहाँ पे चली गई मैंने लॉबी में पूछा इधर उधर पूछ रहा हूँ पता नहीं खो गई मुझसे यार एक वाइट कलर की पानी की बोतल थी लाइक पर्सनल बोतल जो होती अब अरुण कुछ करने वाला है यहाँ पे मतलब मुझे कह रहा है करंट लगाएगा और मुझे करंट नहीं लगेगा ऐसा पता नहीं क्या सिस्टम करने वाला है जैसे देखो इसमें करंट आ रहा है और ये मुझे लगाएगा मगर इसमें करंट नहीं लगेगा फिर इसे क्या सिस्टम कर रखा है अरुण ने इसमें प्लग लगा दिया है अभी अपना आप दिखाएगा अरुण दिखा देखो देखो भाई इसमें करंट आ रहा है यार टेस्टर है देखो आप इसमें चेक कर रहे हो इसमें करंट आ रहा है अच्छे से देख लो इसमें करंट आ रहा है आपको दिख रहा है अच्छे से देखो हरी बत्ती चल रही है मतलब ये ऑरेंज और इसमें दिखा और इसमें देखो नहीं आ रहा इसको साइड कर दे इसको हम इधर कर दो हां अब दोबारा दिखा दे लो इसमें करंट है चेक कर लो हां बेटा ये देखो करंट आ रहा है इसमें अच्छा खासा अब इसको लगा दो अभी किसी को भी लगा देगा कुछ नहीं होगा उसको लगा खुद पकड़ देखो भाई हमने पकड़ा हुआ है अरे भाई देखो अभी मैं निकलूं भाई को पकड़ाऊंगा अरे भाई मैं नहीं पकड़ पाऊंगा पकड़ा तो सही कुछ नहीं होगा यार करंट लग जाएगा कैसे लग जाएगा जब मैं ही तो पकड़ रहा हूँ आंटी हो नहीं आगा निकलाऊ पकड़ ले आराम से पूरा पकड़ लो पूरा पकड़ लो ये देखो करंट नहीं आ रहा और इसमें तब भी करंट है देखो आपको देखो तू टेस्टर पकड़ है टेस्टर तो पकड़ इसे पकड़ अच्छा इसे पकड़ो ये देखो मेरी बॉडी में करंट आएगा ये देखो उसकी बॉडी में करंट है ये तो मेरी बॉडी में करंट है अरे भाई साहब भाई ये तो पूरा इंजीनियर है इलेक्ट्रिशियन में पूरा भाई साहब भाई लौंडे ने मेरे अंदर पूरे बॉडी में करंट मार दिया बहुत तगड़े ने भाई करंट दिखा दिया लौंडे ने भाई तगड़ा मगर मैं इसको हमेशा ही बोलता हूँ दूसरे काम करने से अच्छा अपनी अपना दुकान खोल ले बहुत काम बढ़िया चलेगा मगर मान नहीं रहा है सुन नहीं रहा है सुनता नहीं है मगर इसे अपना इसको नॉलेज बहुत है इलेक्ट्रिशियन लाइट दिखा दे भाई भाई के पास इतनी लाइटें रहती हैं मतलब चाहे शादी ब्याह में लगवानी हो चाहे किसी चीज़ में भी A1 सारा स्टॉक रहता है कैसे पूछी कैसे सीख गया पूछी तेरा सीख गया
चल लुकू बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय कर दे, बाय चलो बाय। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दो दिन से मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, जान बुझ के अगर आती व्लॉगिंग तो करियर हो ही नहीं पाता। मेरे साथ नेहा है, चुपक के बैठी है येरी, और ये मेरे बड़े भाई है बाबू, जिसका नाम कृष्णा है। इसकी ब्रीफिंग बाद में दूंगा मैं, तो अभी चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, डेली जाना है। तो भाई मुझे गाड़ी मिल गई थी यहाँ पे, तो भैया की गाड़ी में आया हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, गाड़ियाँ भी चलती है, बस भी चलती है, तो बंदा दिल्ली जा रहा था, मैं दिल्ली का ड्रॉप कर दे, तो ये यूजली गाड़ी चलती रहती है आगरा से डेली, डेली से आगरा, सही होती है, एसी में ले जाती है, प्राइस सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और अभी अभी सीएनजी लगाने के लिए भैया रुके हैं मथुरा टोल पे। चिल्ड क्या चिल्ड सबसे चिल्ड है, फिज पकड़ा मुझे।